कोविड के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल सहित सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों में संसाधनों को जांचने के लिए मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर राकेश जैन से तैयारियों को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के पूरे प्रदेश भर में आज मॉकड्रिल जारी है। उस मॉकड्रिल का हिस्सा एसएमएस अस्पताल में देखने को मिले, जहाँ पूरा प्रशासन जो है सुबह से मॉकड्रिल देख रहा है। साथ में हमने तमाम जो संसाधन है, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट हो, चाहे वो और बेड्स की व्यवस्था है, उन सब की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अचल शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज जो मॉकड्रिल कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाएँ देख रहे हैं, किस तरह देखते हैं इनको और कितना तैयार है अस्पताल इस वक्त कोविड के नए वेरियंट को लेकर उनसे निपटने के लिए? देखिए, आज ये जो मॉक ड्रिल का हमारा जो इशू है, मॉक ड्रिल का इशू जो है वो उसमें यही है कि हमारे को अपने इंटरनल व्यवस्थाएं, हमने जैसा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि हमने क्या एक अलग से वार्ड उसके लिए सेपरेट किया, इशू किया है। ऑक्सीजन वाले जो बेड हैं वो उसमें हैं, हमारे पास एम्बुलेंस जो रेफरल के लिए एम्बुलेंस है उसकी क्या पोजिशन है हम उसको चेक करें, साथ ही साथ दवाइयों का हमारा स्टॉक भी चेक करना है कि उसमें हमारे पास सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और ओपीडी आईबीडी पेशेंट के लिए जो पृथक हमारे पास सेपरेट उनके पास सुविधाओं की है या नहीं है वो भी अपन को इसमें चेक करना। ऑक्सीजन के लिए भी प्लांट्स की कितनी कैपेसिटी हम अभी ज़रूरत है और आगे कितनी हम उसको। सर, अभी कोविड के केस आने लगे हैं और सबसे बड़ी चुनौती है कि सामान्य मरीज और कोविड के पेशेंट दोनों अलग अलग रहे हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? क्योंकि अभी तो आपने डेडिकेटेड व्यवस्था की है, लेकिन आगामी दिनों में अगर केस बढ़ते हैं तो क्या व्यवस्था रहेगी उसके लिए? देखिए, अभी तो हमने जैसा अभी इसमें देखा कि एक हमारे पास वार्ड है जिसमें अलग से पेशेंट्स को रखने के लिए आईसीयू की ज़रूरत है। उस अगर पेशेंट की बढ़ती है तो फिर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार अगर उसको कहीं तो उस हमारे को उसमें सोचना पड़ेगा। ऑक्सीजन अभी तो खैर स्थिति हमारे पास है और जो भी है उस सफिशेंट और नियंत्रण में। सर, एलएमओ ब्रांड देखें आपने, साथ में आईएलआई के मरीज जो हैं उन पर विशेष फोकस के निर्देश दिए गए हैं, तो उसको किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनमें से कोविड के मरीज आइडेंटिफाई करना आईएलआई के केसों में से? ये देखिए, ऐसा ही कि जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं उनको वो तो अपने सामान्य सर्दी खांसी बुखार और जो लेके आते हैं उस पर जो विशेषज्ञ वहाँ आउटडोर में देखता है वो उनको आईएलआई में सैंपल के लिए और उस ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र करता है। अभी हम जहाँ आ रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या सेपरेट व्यवस्था है जहाँ पे सैंपल लिए जा सकते हैं उनके लिए। अभी पीछे हमने देखा कि जो इंडोर पेशेंट्स हैं उनके लिए हमने क्या अलग से फैसिलिटी डेवलप की उनके सैंपल कलेक्शन के लिए। जो अभी जहाँ हम आ गए हैं वो एरिया वो है जहाँ पे हमने ओपीडी के जो पेशेंट्स आते हैं उनका हम यहाँ पे सैंपल अलग से लेते हैं। सर, अंतिम सवाल, कितना तैयार है अस्पताल इस वक्त कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए और कितना पुख्ता तैयार है यहाँ अंदर की व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए, अभी तक ये जो मॉकड्रिल है जैसा आप देख रहे हैं अभी चल ही रही है और हमें इन सब चीज़ों को देख के अपने आकलन भी करना है जिससे हम अगर कोई भी कमी है तो हम उसको सेम टाइम पे इसको सही कर पाएँ। इस मॉकड्रिल का मुख्य उद्देश्य तो यही है। ADP है राकेश जैन साहब, उनसे बात करते हैं। सर, अगर बात करें SMS की तैयारियां देखी जा रही है, लेकिन अटैच अस्पतालों में मॉकड्रिल है, क्या तैयारियां, क्या रिपोर्ट है वहाँ की और सारे अस्पताल एकजाई होकर काम कर सके एक टीम के रूप में, उसके लिए क्या प्रयास है? अटैच हॉस्पिटल वगैरह के सारे सुपरिटेंडेंट और उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनकी भी थोड़े दिन पहले भी मीटिंग की गई, 4-5 दिन पहले, और उनको सारा इंस्ट्रक्ट जो अभी जैसा SMS में कराया गया है वैसे ही बाकी हॉस्पिटल को निर्देशित किया गया है कि अपने ऑक्सीजन का लेवल चेक कर लें, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का स्टॉक चेक कर लें, प्लस अपनी दवाओं का स्टॉक चेक कर लें, प्लस ये साइनेसेस वगैरह जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जो अपन साइनेसेस लगवा रहे हैं वो जितना भी हो सकता है वो लोगों को अवेयर करें। कितना तैयार है अस्पताल सभी? करीब करीब सारे हॉस्पिटल जैसे कि उन्होंने रिपोर्ट करी है अभी उसमें करीब करीब सब लोग इस चीज़ के लिए तैयार है और सभी ने अपने यहाँ स्टॉक चेक किया है प्लस ऑक्सीजन का स्टॉक भी चेक किया है और वो पूरी तरह से इसलिए तैयार है। देखिए, ये थे हमारे साथ राकेश जैन, जिन्होंने दावा किया है कि अस्पताल SMS में सभी तैयारियाँ जो है पुख्ता है, साथ में और जो अटैच अस्पताल है वहाँ पर भी किसी भी तरह के संसाधनों की कमी नहीं है। ऐसे में उम्मीद यही करते हैं कि अगर पहली बात तो उम्मीद ये करते हैं कि कोई केस ज़्यादा नहीं बढ़े और बढ़ते भी है तो उनके लिए पुख्ता तैयारियां मौजूद रहे। कैमरा पर्सन नरेंद्र साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।